नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शगुन शास्त्र अच्छा समय बुरा समय के आज का हमारा विषय है गिरगिट। दोस्तों, पूर्व काल में गिरगिट को शगुन शास्त्र में नहीं जोड़ा गया था, परंतु द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और नृग नाम के राजा के साथ गिरगिट का संबंध होने के कारण द्वापर युग से शगुन शास्त्र में गिरगिट को जोड़ा गया और उसके द्वारा दिखाए जाने वाले संकेतों का मर्म जानकर उन्हें विस्तार से लिखा गया। दोस्तों, एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न एक वन में खेल रहे थे। खेलते खेलते जब उन्हें प्यास लगी तो वे पास के एक कुएं के पास गए, जो कुआं सूखा हुआ था। उन्होंने झांककर देखा तो इसमें एक विशालकाय गिरगिट बैठा हुआ था, जो बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा था। तब उन्होंने प्रयत्न किया, गिरगिट ने भी प्रयत्न किया, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए। तो प्रद्युम्न ने अपने पिता यानी भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान ने वहां आकर जब गिरगिट का स्पर्श किया तो वह गिरगिट की देह त्याग कर एक राजा की देह में प्रकट हुआ और उसने बताया कि भगवान, मैं श्रापवश गिरगिट बन गया था, आपके स्पर्श से मुझे मोक्ष मिल गया। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। दोस्तों, तभी से गिरगिट को शगुन शास्त्र में जोड़ा जाने लगा और गिरगिट के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझकर हम पता कर सकते हैं कि हमारा अच्छा समय आने वाला है अथवा हमारा बुरा समय आने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आप इस वीडियो को, लेकिन उससे पूर्व कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। नंबर एक, गिरगिट का घर में आना। दोस्तों, गिरगिट का घर में आना शुभ माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि गिरगिट का घर में आने से आपको धन लाभ हो सकता है। नंबर दो, गिरगिट का सपने में दिखाई देना। दोस्तों, अगर गिरगिट आपको स्वप्न में दिखाई देता है परंतु वह रंग नहीं बदल रहा है, तो यह भी शुभ संकेत समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई प्रियजन आपसे शीघ्र ही मिलने वाला है। नंबर तीन, गिरगिट का सोमवार के दिन आपके घर में आना आपको धन लाभ की ओर संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि आपको अचानक ही धन लाभ होगा अथवा आपको जिस कार्य से परेशानी हो रही थी वह कार्य भी आपको धन कमा कर देगा। नंबर चार, शनिवार के दिन गिरगिट का घर में आना। दोस्तों, अगर गिरगिट आपके घर में शनिवार के दिन आता है तो ऐसा माना जाता है कि यह अत्यंत ही शुभ है। आपका अटका हुआ पैसा आपको मिलेगा अथवा आपका पैसा अगर चोरी हो गया है या किसी ने आपका पैसा हड़प लिया है तो वह भी शीघ्र ही आपको मिलेगा। नंबर पाँच, गिरगिट का शरीर पर चढ़ना। दोस्तों, अगर गिरगिट अचानक से आपके शरीर पर चढ़ जाता है तो इसे एक शुभ संकेत समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब आप अपने बुद्धि बल से अपने कार्य को करेंगे और उन्हें सफल बनाएंगे, साथ ही अपने शत्रुओं को भी पराजित करेंगे। नंबर छः, गिरगिट आपका रास्ता काट दे। दोस्तों, अगर आप किसी आवश्यक कार्य से जा रहे हैं और गिरगिट आपका रास्ता काट जाए तो यह अत्यंत ही शुभ समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गिरगिट के रास्ता काटने से आप अपनी यात्रा में सफल होंगे और जिस उद्देश्य से आप अपनी यात्रा कर रहे हैं वह भी सफल होगी, यानी आपका कार्य सिद्ध होगा ही होगा। नंबर सात, गिरगिट का घर में मरना। दोस्तों, अगर गिरगिट आपके घर में मर जाता है तो यह अशुभ संकेत समझा जाता है। शीघ्र ही आपके ऊपर कोई संकट आ सकता है, आपको धन हानि हो सकती है। नंबर आठ, गिरगिट का आंखों के सामने मरना अथवा मारना। दोस्तों, अगर गिरगिट आपकी आंखों के सामने अपने प्राण त्यागता है अथवा आप उसे मारते हैं तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने से आपके कार्य अटकने लगेंगे, आपका कोई भी कार्य बनते बनते बिगड़ने लगेगा। यानी आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे अथवा कोई भी कार्य कर रहे होंगे, वह कार्य आपका 90% सफल होने के बाद एकदम से बंद हो जाएगा, आपका कार्य अटकने लगेगा। नंबर नौ, गिरगिट का रंग बदलते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप किसी गिरगिट को रंग बदलते हुए देखते हैं तो यह भी एक अशुभ संकेत समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब आपको आपके आसपास के लोगों से सतर्क होके रहना है, आपको सावधान होके रहना है, अन्यथा आपके ऊपर संकट आएगा। गिरगिट का रंग बदलना इस ओर भी बताता है कि दोस्तों, आपके किसी परिचित व्यक्ति से आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।